तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। रक्त के प्यासे महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव पांच बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, लेकिन पार्थ के रथ को तो खुद केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। शंख उठा श्री कृष्ण ने मुख से फूका और बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही वैसे सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना शुरू हुआ, फिर सबका मर्दन शुरू हुआ। श्री कृष्ण ने बोला, उठो पार्थ और एक आंख को नीच जरा। गांडीव रथ बाणों को और प्रत्यंचा को खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर। यहाँ इस धरती पर अर्जुन जैसा, अर्जुन जैसा, अर्जुन जैसा, अर्जुन जैसा। सुनी बात माधव की, फिर अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुधारी की सत्या मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो काना, जितने सम्मुख हैं ये खड़े हुए। इन्हीं सभी से सीख सीख, हम सारे भाई हैं बड़े हुए। उधर खड़े हैं भीष्म पितामह, मुझको गोद खिलाते थे। गुरु द्रोण ही धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाते थे। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती माता हमारी ने। कोई कमी ना छोड़ी कभी थी उस माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है। माना दुर्योधन को शासन होना लायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं। जैसे भी हैं आखिर माधव सप्ताऊ के बेटे हैं। इतने से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। सैन्य लगाकर अपना कुल विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों का होता राजभोग अधिकार नहीं। सबको मार के गति मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मन अपना क्यों था मोड़ दिया। आंखों में आंसू भर के गांडीव के हाथ से छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब तुम युद्ध नहीं करना चाहते। पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों की खातिर मैं कोई विवाद नहीं करता। और के खींच रहे थे वो दोषी, वो इतने ही है झगड़ा खींच रहे थे जो। तड़प रही कोई तो टूक नहीं बोले। पौत्र बहु को नग्न देख कर गंगा पुत्र नहीं खोले। पौत्र बहु को नग्न देख क्यों गंगा पुत्र नहीं खोले।